Hello student this is our third video of class 10th chapter electricity student in our last video we have discussed about electric potential potential difference electric current and now in this video we are going to study about how to get a continuous flow of electric current next how the current flow in a wire then electric circuit and electric symbols सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को कुछ नोट पॉइंट है जो हमें देखना है ऊपर दे रखा है फर्स्ट नोट पॉइंट एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इन्फानाइट रजिस्टेंस वेयर एज एन आइडियल अमीटर शुड हैव जीरो रजिस्टेंस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं वो है वोल्ट मीटर एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो है अमीटर वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं और अमीटर को हम सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक आइडियल वोल्ट मीटर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता इमेजनरी कंडीशन है उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इन्फानाइट होना चाहिए जबकि एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए ये आपकी आइडियल कंडीशन है इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट है वाई एज अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट अमीटर को हमेशा हम सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ तो वह आपको इसका रीज़न बताना है सेकंड क्वेश्चन है वाई शुड एन अमीटर हैव एन लो रेजिस्टेंस जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है थर्ड है अमीटर बर्न आउट वेन कनेक्टेड इन पेलल गिव रीजन जब हम अमीटर को सीरीज की बजाय जब हम पेलल कनेक्ट करते हैं तो वो जल क्यों जाता है उसका रीज़न आपको देना है और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स कोई भी सर्किट है उसमें हमें ये चाहते हैं कि लगातार करेंट उसमें फ़्लो करता रहे तो उसके लिए हमें क्या करना है द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंडस ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करेंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक पार इलेक्ट्रिक सर्किट में लगातार करेंट फ्लो करता रहे तो इसके लिए आपको पूरे सर्किट को किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करना है जो कि लगातार इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को मेंटेन करेंगे एग्जांपल है फॉर एग्जांपल अ सिंगल ड्राई सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट जो नॉर्मली एक सिंगल जो ड्राई सेल होता है उसमें मैक्सिमम जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वन वोल्ट का होता है स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर जो वायर है उसमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं फर्स्ट कंडीशन को हमें समझना है सबसे पहले इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ई से जो डिनोट करा दिखाया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी वायर के अंदर कोई भी मेटल वायर है और उसको उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो दिखाया गया है यहाँ पर तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो वायर किसी भी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम कर घूम रहे हैं जिसकी वजह से उनका नेट जो मूवमेंट है वो ज़ीरो हो रहा है एक दूसरे के मोमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं तो इस केस में उस वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो नीचे कंडीशन भी बताई गई no है वैन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस आ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस नेक्स्ट कंडीशन दिखाइए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमारा जो वायर है उसको हमने किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल है वो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और मूव करना स्टार्ट है करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज हैं तो वो अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ ही उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो कन्वेंशनल करंट है वो ऑलवेज फ्लो कर फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल नीचे इसका स्टेटमेंट है वेन अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर नेक्स्ट स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायरस एंड अदर रेजिस्टेंसेज एंड अच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलॉन्ग विच एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम उस पाथ को बोलते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो उसके लिए कुछ मटेरियल है जो कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए सबसे पहले सेल वायर कॉपर वायर ले सकते हैं स्विच और कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में हम लोगों ने ले लिया है बल्ब तब हम सबको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं और जब उसमें करंट फ्लो करता है ऐसे सर्किट को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं आप लोगों के पास एन की बुक होगी स्टूडेंट तो उसमें बहुत सारे सर्किट्स सा आपके बने हुए हैं आप उसे ट्राई करिए बनाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर दे रखे हैं कुछ सिम्बल्स हैं Uh, जो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम ड्रॉ करते हैं बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं जैसे फर्स्ट जो है वो आपका सेल इंडिकेट कर रहा है एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल और जब सेल आपस में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बनती है यहाँ पर दो सेल को हमने आपस में कनेक्ट करा है तो बैटरी ऑफ टू सेल्स नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर अगर हमें वायर को दिखाना है तो सिंपल हम लाइन से नोट करेंगे फिक्सड रजिस्ट्रेंस रजिस्ट्रेंस को शो करेंगे इस तरीके से और वेरिएबल जो रजिस्ट्रेंस होते हैं या रिओस्टेट उसको बोल सकते हैं तो इसे इस तरीके से हमें शो करना है अमीटर के लिए इस तरीके से है पॉजिटिव और एक नेगेटिव और ए बनाना है हमें ए अगर कहीं भी बना हुआ है सर्कल के अंदर तो आप समझ जाना कि वो अमीटर के लिए वोल्ट मीटर के लिए वी एंड कैलवन के लिए जी नेक्स्ट ओपन जो स्विच है या ओपन की है उसके लिए ये कंडीशन है आपकी और क्लोज्ड है तो ये आपकी कंडीशन से जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये सारे वो सिंबल्स हैं स्टूडेंट जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में और अक्सर आपके लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है जिसमें अगर आपके पास ये सिंबल्स की नॉलेज है आपको तो आप इजीली वो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैंक यू